सिम कार्ड लेने के तुरंत बाद पोर्ट नहीं कर सकेंगे। ट्राई के सिम कार्ड के नियम 1 जुलाई 2024 से होंगे लागू। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इन नियमों में बदलाव करने से साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। नए नियमों के तहत अगर मोबाइल ग्राहक ने हाल ही में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर सकते। गौरतलब है कि सिम की अदला बदली की सिम स्वैपिंग कहा जाता है। सिम को अदला बदली या दूसरे नेटवर्क में जाना सिम की स्वैपिंग कहा जाता है। सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसके टूट जाने पर होती है। अगर तुरंत सिम स्वैप किया जाता है तो उसे पोर्ट कराने के लिए 7 दिन इंतज़ार करना होगा। यह कदम धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया जा रहा है। इसे फ्रॉड करने वालों को सिम स्वैपिंग के तुरंत बाद कनेक्शन को पोर्ट करने से रोकने को उठाया गया है। ट्राई की ग्राहकों के हित में एक और सिफारिश। एक्स पर दी गई सूचना। क्या होती है सिम कार्ड की स्वैपिंग? जब भी सिम कार्ड काम नहीं करता या फिर फ़ोन खो जाता है तो सिम स्वैपिंग होती है या करवानी पड़ती है। हम पुराने सिम के बदले नया सिम लेते हैं लेकिन नंबर वही होता है। साइबर ठग कंपनी को फ़ोन कर यकीन दिलाते हैं कि उनका नंबर उनका ही है। इसके लिए वो आपके आधार कार्ड की डिटेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका सिम बंद कराकर तुरंत नया सिम एक्टिवेट करवाते हैं और फिर सारे OTP उसी नंबर पर जाते हैं। आपको जब तक पता चलता है तब तक बैंक अकाउंट खाली हो जाता है।